हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का जो है अपने इकोनॉमिक्स के कोर्स में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आज हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, और हम एग्जाम्पल्स देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड इनडायरेक्ट टैक्स को समझने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स द पॉइंट वेयर टैक्स लुक्स एज ए बींग इम्पोज इज नोन एज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। यानी हम कह सकते हैं द इवेंट ऑफ टैक्स इम्पोजन, टैक्स इम्पोजिशन, जिस पॉइंट पे जो है टैक्स जो है इम्पोज किया जा रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मान लीजिए हम क्या करते हैं, इनकम हम अर्न किए हैं, हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। तो हम जब इनकम अर्न करते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया? इंसिडेंस ऑफ टैक्स हो गया। मतलब जो मैं हूँ, अगर मैं इनकम मैंने जनरेट किया और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मैं जो पॉइंट होगा क्या पॉइंट हो जाऊंगा? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मेरे ऊपर जो है टैक्स का इंसिडेंस हो रहा है। और सेकंड है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मीन्स होता है द पॉइंट वेयर टैक्स मेक्स इट्स इफेक्ट फेल्ट इज नोन एज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। जब टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है, उसके बाद जो इफेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास, मेरे ऊपर क्या है, इनकम टैक्स जो है अप्लाई कर दिया गया, तो वो क्या पॉइंट हो गया? इंसिडेंस ऑफ टैक्स। लेकिन टैक्स अप्लाई के बाद क्या होगा? मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। आफ्टर इफेक्ट ऑफ टैक्स इम्पोजिशन, टैक्स इम्पोजिशन के बाद जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। अब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स को आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स मीन्स हो गया इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स आर एट दिस सिंगल पॉइंट। इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो होता है एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो होता है, वो क्या होता है? सिंगल पॉइंट पे होता है। जैसे हमने इनकम टैक्स का एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पे जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स हो रहा था वो हमारे ऊपर ही हो रहा था, और जो इम्पैक्ट हो रहा था वो हमारे ही ऊपर हो रहा था। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आपने क्या किया, आप शॉप पे गए और आपने कुछ परचेस किया। मान लीजिए आपने क्या परचेस किया, एक जो है सीनरी जो है परचेस किया, तो मशीनरी पे जो टैक्स होगा वो क्या आपको देना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल आपको देना पड़ेगा। मशीनरी जब आप प्राइस पे करेंगे, प्राइस ऑफ मशीनरी विल इंक्लूड टैक्स आल्सो। जो प्राइस हम पे करेंगे उसमें जो है टैक्स की अमाउंट जो है इन्वॉल्व रहेगी। लेकिन ये जो है इम्पैक्ट टैक्स का किस पे पड़ रहा है? मुझ पे पड़ रहा है। अगर मैं वो पर्सन हूँ जो मशीन खरीद रहा हूँ, तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो है मुझ पे पड़ रहा है। लेकिन इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर, मान लीजिए कंपनी ये थी, इसने क्या किया, इस मशीनरी का जो है मैन्युफैक्चर किया, तो इस कंपनी ने जैसे ही प्रोडक्ट को, मशीनरी को अपने फैक्ट्री से जो है आउटसाइड मार्केट में भेजा, तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा। हमने डिस्कस किया था एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स हुआ वो जस्ट फैक्ट्री के यहाँ हुआ, फैक्ट्री के पास में, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है वो जो है हमें कहीं और देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। और डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हमारा जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, जहाँ पे टैक्स इम्पोज हो और जहाँ से जो टैक्स पे करे, दोनों क्या हो? सेम पॉइंट हो। तो यहाँ एग्जाम्पल हो गया आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वहाँ पे जब आप वो रजिस्ट्री करवाने के लिए जब आप जाते हैं, तो वहाँ आपको जो है क्या स्टाम्प पेपर बनवाना पड़ता है, वहाँ पे जो है आपको टैक्स जो है अमाउंट पे करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, आप जो है प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हैं, आपको क्या देना पड़ रहा है? टैक्स। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है कहाँ पे हुआ? आप ही के पास हुआ। और इम्पैक्ट किसको, किसके ऊपर पड़ रहा है? आप ही के पास पड़ रहा है, क्योंकि आप ही तुरंत पे कर रहे हो। ठीक है, उसी प्रकार का हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता है। प्रॉफिट क्या है एंड लॉस क्या है, अगर डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए, तो डायरेक्ट टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि ये अगर हमारा एक्स एक्सिस पे इनकम हो गया, वाई एक्सिस पे आपका टैक्स रेट हो गया, तो प्रोग्रेसिव मीन्स होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट आपका क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया,
जो पुअर पर्सन होंगे उन पे जो है रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, कम होगा। हायर इनकम पीपल पे क्या होगा, टैक्स रेट अधिक होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा, डायरेक्ट टैक्स रिड्यूसेस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अगर कोई पर्सन जो है बहुत रिच है तो उसको टैक्स रेट क्या है उस पर अधिक है, मान लीजिए टैक्स रेट T1 है, और पुअर है उस पर कितना टैक्स रेट है, T2 है। ये हमारा T1 एंड T2 क्या है, टैक्स रेट है। तो हमारा जो T1 है वो ग्रेटर देन T2 होगा टैक्स रेट। तो यानी जो इनके बीच इनकम का डिफरेंस था वो अभी टैक्स लगने के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि डायरेक्ट टैक्स रिड्यूसेस इन इक्वलिटी ऑफ इनकम। टैक्स डिडक्शन एक्सेम्पशंस कैन गिवन। हमने इनकम टैक्स एक्ट जो है, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको आइडिया होगा कि हमको जो है गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं जहाँ पे अगर हम मनी इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे टोटल इनकम में से जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर रिमेनिंग जितना बचता है केवल उस पर हमें जो है टैक्स देना पड़ता है। तो ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, आपका PPF हो गया, ATC एक फॉर्म आता है वो हो गया, और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सरकार के द्वारा समय समय पे क्या होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। चौथा पॉइंट है सर्टेनिटी है कि हमको डायरेक्ट टैक्स में कब देना है डायरेक्ट टैक्स एंड कितना अमाउंट देना है। ये हर बजट बजट सेशन में जो है अमाउंट जो है क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। इलास्टिसिटी, डायरेक्ट टैक्स जो है हमारा क्या है, इलास्टिसिटी है डायरेक्ट टैक्स। तो आखिर इलास्टिसिटी मीन्स क्या हो गया, इसका जो है क्विक रिजल्ट आता है। क्विक रिजल्ट व्हेन इट्स रेट मॉडिफाइड। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स का जो रेट है अगर उसको मॉडिफाई करती है, कम या ज़्यादा करती है, तो उसका रिजल्ट जो है हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है। अभी कुछ डिमेरिट्स देखते हैं, कुछ कॉन्स देखते हैं। पहला तो ये एक्सपेंसिव मेथड है। आखिर एक्सपेंसिव मेथड किस रिस्पेक्ट में है, इसका जो कलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत महंगा है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व रहता है, जो है इसमें स्टाफ का खर्चा हो जाता है, ये सब जो है इसके ये सब मिल के जो है इसको एक्सपेंसिव मेथड बना देते हैं। और इसमें क्या है, एक्सटर्नलिटी नॉट काउंटेड। इसका मीन्स हुआ जो हमारे फिल्म स्टार हैं वो क्या करते हैं, वो जो है एड के द्वारा भी रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, लेकिन वहीं अगर आप आम आदमी की बात करें तो वो ऐसे मनी नहीं जनरेट कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है हार्डशिप नॉट काउंटेड। अगर आप एक ब्लैक स्मिथ की बात कर लीजिए, एक लोहार जिसको बोलते हैं, और एक आप जो है जमींदार की बात कर लीजिए, तो दोनों केस में आप क्या देखेंगे, जो हमारा ब्लैक स्मिथ है वो जो है अधिक मेहनत करता है, लेकिन लैंडलॉर्ड क्या करता है, कम ही मेहनत करके जो है मनी अर्न करता करता है। तो यहाँ पे जो है ये मैटर नहीं करता कि आपने मनी कैसे अर्न किया है, कितना हार्डशिप किया है। अगर आपका इनकम जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया स्लैब में अगर आपका इनकम आता है, तो आपको जो है जो टैक्स रेट होगा उस टैक्स रेट पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है इसमें टैक्स अवॉइडेंस लीड्स ब्लैक मनी। जैसे हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या है, हमारा डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव इन नेचर है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ा पर्सन का टैक्स रेट बढ़ता जाता है, तो जिसके कारण जो हायर इनकम ग्रुप है पीपुल है वो क्या करते हैं, वो टैक्स अवॉइडेंस जो है तरीका अपनाते हैं, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, ब्लैक मनी। टैक्स अवॉइडेंस अगर आप नहीं जानते क्या होता है, तो हमने जो है एक सेपरेट लेक्चर में हमने टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस जो है डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं, ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। हमने जो है पहली स्लाइड में एक एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक पर्सन है जो मशीनरी परचेस कर रहा है, जब वो मशीनरी का प्राइस पे करता है तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, टैक्स अमाउंट भी जो है ऐड रहता है। लेकिन जो टैक्स अमाउंट जो उसमें ऐड हुआ था, वो जब मशीनरी जो है किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ था, वहाँ से जैसे ही वो मार्केट के लिए निकला, वहाँ पे उस पर क्या हुआ था, टैक्स अप्लाई हुआ था, जिसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। यानी जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स कहाँ पे अप्लाई हुआ आपका, फैक्ट्री में, और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स आपका कहाँ दिखा, मार्केट में, ठीक है, तो वो क्या थे, डिफरेंट थे। तो चलिए अब कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। अगर मेरिट्स की बात की जाए, क्या है हमारा, कन्वीनियंट है ये, क्योंकि आप जो है एक बार प्रोडक्ट पे आप टैक्स जो है अप्लाई कर दीजिए, जैसे फैक्ट्री के बाहर प्रोडक्ट मार्केट के लिए निकला, उसके बाद
आपको जो है कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा जो है मार्केट में सेल होगा तो उसका जो टैक्स अमाउंट उस पर ऐड रहता है वो जो है गवर्नमेंट को क्या होगा, मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू मिलता है इससे अधिक मिलता है। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें इवेजन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट हमारा जो है फैक्ट्री के बाहर निकलता है तो उस पर क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी इम्पोज कर दी जाती है। ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया है कि जब प्रोडक्ट हमारा जो है मैन्युफैक्चर होता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाती है, और जो अगर हमारा प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री से सेल होने के लिए आ रहा है तो उस पर क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी। तो जब ये मार्केट में सेल होगा तो इसमें जो अमाउंट एज ए टैक्स ऐड रहेगी तो वो अमाउंट जो है कस्टमर के द्वारा आसानी से मिल जाता है, और ऐसा जो है डायरेक्ट टैक्स में नहीं था। तो यहाँ पे इवेजन्स के चांसेस कम होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इवेजन हो जाता है जब प्रोडक्ट हमारा जो है इलीगल तरीके से जो है बेचा जाता है। और फोर्थ वन पॉइंट इज इलास्टिक इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स का जो बेस है वाइड बेस है, इट मीन्स जो नंबर ऑफ पीपल्स जो है इसमें कवर होते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। आप एक माचिस की डिबिया से लेके आप जो है गोल्डी मसाले की एक पुड़िया तक देख लीजिए, सब पे जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है इम्पोज होता है। तो जैसे ही आप इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेट है अगर आप इंक्रीज कर देंगे, अगर 0.5 से भी इंक्रीज कर देंगे, तो गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर डिमेरिट्स की बात की जाए तो ये रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव इन नेचर मीन्स अगर हमारा वाई एक्सिस पर टैक्स रेट हो गया एंड एक्स एक्सिस पर इनकम, तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी टैक्स रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी ये जो है क्या है, पुअर के लिए एक बर्डन है। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है सेकेंड पॉइंट में, रिच एंड पुअर आर इक्वली टैक्स फॉर सेम आइटम। अगर कोई इन पर्सन है जो जिसकी इनकम 10 लाख है और कोई दूसरा पर्सन है जिसकी इनकम 1 लाख है, तो दोनों से जो इनडायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है वो क्या है, सेम अमाउंट है फॉर दी सेम आइटम। थर्ड पॉइंट है पुअर पे लार्ज पोर्शन ऑफ दियर इनकम, क्योंकि पुअर पर्सन की अगर इनकम जो है 1 लाख थी और रिच पर्सन की 10 लाख, तो जो पुअर पर्सन अगर 10,000 पे कर रहा है और वह 10,000 ही सेम अमाउंट कौन पे करेगा, रिच पर्सन, तो 10 लाख का अगर आप 10,000 निकालेंगे, 1 लाख का जो है आप 10,000 निकालेंगे, तो आप देखेंगे जो पुअर पर्सन है वो लार्जर परसेंटेज ऑफ हिज इनकम इज पेइंग एज अ टैक्स एज कम्पेयर टू दी रिचर पर्सन। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लर्निंग।